इस सीरीज में आज हम जिस स्टेट का एनालिसिस करने जा रहे हैं वो है झारखंड। लास्ट टाइम हमने एमपी के लिए आपको एनालिसिस प्रोवाइड किया था और उसमें जब हमने बोला था कि आप कमेंट करके बताइए कि आपको किस स्टेट का एनालिसिस चाहिए, तो सबसे ज्यादा कमेंट हमें मिले झारखंड स्टेट के लिए। तो हम अभी झारखंड स्टेट का एनालिसिस आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। नीट एस्पिरेंट्स को काउंसलिंग के दौरान किस स्टेट में किस कॉलेज में एडमिशन कितने मार्क्स पर और कितनी रैंक पर मिल सकता है, इसका हमारे पास पैन इंडिया एनालिसिस अवेलेबल है। लेकिन शर्त वही होती है कि आपको कमेंट करके बताना होता है कि आपको किस स्टेट के लिए ये एनालिसिस चाहिए, तो हम उस स्टेट के लिए एनालिसिस आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो आज बारी है झारखंड स्टेट की, तो चलिए स्टार्ट करते हैं झारखंड के बारे में। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात कि गवर्नमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, आपको काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए, जिसकी डेट जो है वो 8th of October से लेकर 14th of October तक रखी गई है। इस दौरान आपको फॉर्म जो है वो फिलअप करके रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए, जिससे कि आपकी स्टेट की मेरिट लिस्ट बन सकती है। तो मेरे से बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, सर मेरे 590 मार्क्स हैं, मेरे 580 मार्क्स हैं, 570 मार्क्स हैं, मैं रजिस्टर करूं या नहीं करूं। देखिए वो सब बात की बात है, आप सबसे पहले रजिस्टर कीजिए। मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूं कि देखिए हमें रजिस्टर तो करना ही है, और एज वेल एज आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि जिस तत्परता से आप नीट का एग्जाम दे रहे थे, अगर आप उसी तत्परता से काउंसलिंग में भी हिस्सा लेंगे तो आप एक अच्छी कॉलेज में एक अच्छी सीट सिक्योर कर सकते हैं। काउंसलिंग को बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए, हमें उसे बहुत ध्यान से करना चाहिए, और इसमें हेल्प करने के लिए हम आपके लिए यहां गजब की एडमिशन लाते रहते हैं। आज झारखंड की बारी है, झारखंड में किस कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है, कट ऑफ क्या रह सकती है, स्टेट वाइज कट ऑफ क्या रह सकती है, स्टेट कोटा में, ऑल इंडिया कोटा में क्या रह सकती है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रह सकती है, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको अभी आज इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक, और साथ ही साथ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिनको इसकी बेहद आवश्यकता है, क्योंकि यहां पर हवाबाजी की कोई बात नहीं होती है, रिसर्च और एनालिसिस बेस्ड जो है वो यहां पर आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। इसके लिए हमारी जो नॉन इन्फॉर्मेशन की टीम है वो बहुत मेहनत करती है, तब जाकर हम ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर पाते हैं। तो देखिए झारखंड में हमारे पास है 9 मेडिकल कॉलेज, जिनमें से 8 जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, जिनमें 830 सीट्स है। इस साल 50 सीट्स इंक्रीज भी हुई है, इनमें से एक एम्स भी है, साथ ही साथ एक मेडिकल कॉलेज जो है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है मनीपाल। तो ये यहाँ पर इस तरह दोनों की जो सीट्स है उनका सम हो जाता है 1180 सीट्स, और छोटा सा स्टेट है जिसकी कट ऑफ जो है वो यूजुअली बाकी स्टेट्स के मुकाबले थोड़ी कम जाती है। इस बार देखने वाला मामला होगा कि कितनी जाने वाली है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की लिस्ट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की लिस्ट, हमेशा की तरह जो भी रेगुलर मेरे व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि मैं इसमें अपना टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करता, लेकिन आप लोग इसको जो है वो अवेल कर सकते हैं। कहाँ से? मेरे टेलीग्राम चैनल से, जो कि है @themjsir से आप सर्च करके टेलीग्राम पर उसको सर्च कर सकते हैं। और ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, इसमें ऑल इंडिया कोटा से कितनी सीट्स आपको मिल पाएंगी, स्टेट कोटा से कितनी सीट मिल पाएंगी, ये सब कुछ का एनालिसिस यहाँ पर दिया गया है। और साथ ही साथ एक ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, उसमें भी आपको बाइफर्केशन यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, इसे टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। अब देखते हैं हम कि 2021 में हमारे पास क्या सिनेरियो था। तो 2021 में अगर हम देखें तो जनरल कैटेगरी में 588 मार्क्स जिसके थे, जिसकी रैंक जो थी वो 24,616 रैंक थी, वो कट ऑफ गया था जनरल कैटेगरी के लिए फर्स्ट राउंड। और वहीं पर आप देख सकते हैं कि बीसी 1 के लिए 584 गया था, लेकिन 584 में आप देखिए लगभग जो है वो 3000 रैंक का अंतर आ। तो इसी तरह आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि कट ऑफ कितना जा रहा है, आपको मार्क्स भी दिखाए गए और आपको रैंक भी दिखाई गई है। अब देखते हैं कि राउंड टू में क्या हुआ था। राउंड टू में 586, देखिए आप राउंड वन में देखिए, राउंड वन में कितना था 588 और राउंड टू में कितना गया 586, लेकिन रैंक जो है वो देखिए पहले 24,616 रैंक और अब 26,434 रैंक, ये राउंड टू में कट ऑफ गया था जनरल कैटेगरी के लिए। इस बार क्योंकि एनएमसी का बिल जो है वो आ रहा है और उम्मीद है कि 50% सीट जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फी पर मिल पाएंगी, और अगर स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को ओवर सम ऑफ द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, तो हो सकता है कि कट ऑफ जो है वो 4-5 नंबर से जो है वो कम भी हो जाए। आगे देखते हैं कि इस बार जो मोटा प्रश्न है कि नीट में 2022 में झारखंड में कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो मेरे एनालिसिस के मुताबिक, मेरी टीम की सारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, हमें लगता है कि इस बार जनरल की जो कट ऑफ है वो रहने वाली है 587 मार्क्स। इसको आप प्लस माइनस
4 मार्क्स कर सकते हैं, लेकिन 587 मार्क्स जो है वो हमको लगता है कि इस बार जनरल की कट ऑफ रहने वाली है। और इसी तरह आप डिफरेंट कैटेगरीज में आएंगे तो एसटी कैटेगरी में आ गया पे आपके पास 344 जो रैंक है मार्क्स है वहाँ तक आपको कट ऑफ जो है वो मिल सकती है। इन सभी नंबर्स में आप प्लस माइनस 4 मार्क्स ऐड कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह के बेहतरीन एनालिसिस जिसमें कि आपको एकदम जो है वो रिसर्च और एनालिसिस बेस्ड इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करवाते हैं, ऐसी ही अगले वीडियो तक इंतजार कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।